अगर आपने इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in वेबसाइट से आधार कार्ड के थ्रू अपना पैन कार्ड बनवाया है या फिर आपने NSDL से आधार कार्ड के थ्रू अपना पैन कार्ड बनवाया है और आपको डिजिटल कॉपी मिल गई है और आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन टाइप में आप चूज कर लेंगे रिप्रिंट पैन कार्ड, नो चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। कैटेगरी यहां से चूज कर लेंगे इंडिविजुअल। यहां पर टाइटल चूज कर लेंगे श्री श्रीमती कुमारी। यहां पर डालेंगे अपना लास्ट नेम, यहां पर फर्स्ट नेम और यहां पर मिडल नेम। अगर सिर्फ सिंगल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए। इसके बाद यहां पर डालेंगे डेट ऑफ बर्थ जो कि आप इस कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर डालेंगे एक ईमेल आईडी, यहां पर डालेंगे एक मोबाइल नंबर, यहां पर वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया इसको करेंगे यस, यहां पर डालेंगे अपना पैन कार्ड नंबर, इसके बाद यहां पर कंसेंट देंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा जो कि आपको यहां से कॉपी कर लेना है। ये है आपका टोकन नंबर जो कि आपके लास्ट तक काम आएगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। यहां पर आप चूज कर लेंगे सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC एंड ई साइन पेपरलेस। नीचे आएंगे यहां पर फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, इसको यस करेंगे। फीस आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया के लिए 107 रुपीज, जबकि अगर आप किसी इंटरनेशनल एड्रेस पर मंगाएंगे तो आपको 1017 रुपीज देने होंगे। यहां पर अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स डाल देंगे। इसके बाद यहां पर चूज कर लेंगे यस, आपके आधार कार्ड पर जो फोटो है वही आपके पैन कार्ड पर आएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे आपका नेम आ जाएगा, आपको जस्ट यहां पर जेंडर चूज कर लेना है। यहां आपको किसी भी चीज पर टिक नहीं करना है। इसके बाद नीचे आएंगे यहां पर फादर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डाल दीजिए, अगर कोई मिडल नेम है तो यहां पर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसी एड्रेस पर सेंड किया जाएगा आपका पैन कार्ड, तो यहां पर आपको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप यहां पर कंट्री कोड चूज कर लीजिए इंडिया। आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ गई है, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहां पर आप चूज कर लेंगे प्रूफ ऑफ पैन, इसमें आप चूज कर लीजिए कॉपी ऑफ पैन कार्ड। यहां पर चूज कर लीजिए हिमसेल्फ हरसेल्फ, आपका नाम आ गया है, यहां पर 1 डाल दीजिए। इसके बाद यहां पर आ गई प्लेस, इसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहां पर आपको डालने हैं अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 नंबर। इसके बाद आपके सामने आ जाएगी आपकी पूरी एप्लीकेशन। आप नीचे तक स्क्रॉल करेंगे, नीचे यहां प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करना होगा 107 रुपीज का, जो कि आप पेटीएम या किसी भी UPI एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो यहां पर हम चूज कर लेते हैं पेटीएम वॉलेट। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर एग्री करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। 106 रुपीज 90 पैसा पे करना है, पे कन्फर्म। यहां पर आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप पेटीएम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर UPI के थ्रू करेंगे, तो भीम UPI चूज कर लेंगे, यहां पर UPI आईडी डालेंगे। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करना होगा। जैसे कि मेरे फोन पे में नोटिफिकेशन आ गया है, तो यहां पर मैं UPI पिन डाल करके पेमेंट को कंप्लीट कर देता हूं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही यहां पर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए रिडायरेक्ट हो गया है। यहां पर आपको बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है, आपको वेट करना है, इसमें 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है। यहां पर ये आपके पेमेंट को कंफर्म कर रहा है। अगर आप यहां पर इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये फेल हो जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए सक्सेस हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर आप कंसेंट देंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू EKYC क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां पर डाल दीजिए। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको कंसेंट देनी है और यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, OTP आपको यहां डालना होगा। OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपके सामने PDF आ जाएगी, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपकी PDF आ गई है, इसका पासवर्ड है आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1996, तो पासवर्ड रहेगा 01111996।
ये आप सेव करके रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर बस आप लॉग आउट कर लीजिए। एक महीने के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। मैक्सिमम एक महीना है, कम से कम एक हफ्ते में 3 दिन में भी आपका पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पर आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर और आपकी पोस्ट सर्विस पर। एक बार आपको पैन कार्ड मिल जाएगा तो आपको उस पर सिग्नेचर करना होगा। पैन कार्ड कैसे मिलेगा और उस पर सिग्नेचर कैसे करना है, ये वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस तरीके से अगर आपने आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड बनवाया है तो आप उसकी एक फिजिकल कॉपी मंगवा सकते हैं।